हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोगों को यहाँ पे कवर करने हैं। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। 14,000 करोड़ का फ्रॉड, CBI भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके हैं, प्रमोटर अभी जेल में जाएंगे कि नहीं पता नहीं, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो इस स्टॉक से दूर रहना है। सो इस वीडियो से रिलेटेड जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जरूर उसको चेकआउट करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। मतलब स्प्लिट के बाद ये स्टॉक बहुत सस्ता हो चुका है, तो रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में आ चुका है, एंड अभी 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। पूरे बाजार में ही अगर आप लोग देखोगे तो गिरावट है यहाँ पे, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वापस कह रहा हूँ, ये सारा लॉन्ग टर्म का खेल आपको खेलना आना चाहिए, शॉर्ट टर्म ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो क्या ये कंपनी खराब हो गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कंपनी ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। एंड मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग प्ले कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में कोई गारंटी नहीं। शॉर्ट टर्म में तो बहुत कुछ हो सकता है, 2000 तक भी आ सकता है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो ज़रूर आपको पैसा बना के दे देगा। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रॉब्लम, यहाँ पे जो मैक्सिमम की मैं बात करूँ 600% के रिटर्न है, या फिर मैं एक साल की बात करूँ तो एक साल में 450% के रिटर्न है, 6 महीने की बात करूँ 100% के रिटर्न है, 1 महीने की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सो समवेयर अराउंड 10% के आसपास नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। सो 1 महीना मतलब ये शॉर्ट टर्म वाले हैं, उनको यहाँ पे तकलीफ है। तो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, इसको कंटिन्यू आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए, बट ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की कोई भी गारंटी नहीं होती, शॉर्ट टर्म में तो बहुत कुछ होता है। सो आज के दिन के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो 46% की डिलीवरीज भी देखने को मिल रही है, अच्छी खासी डिलीवरीज ज़रूर है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म बोलना बहुत इसी रहता है, होल्ड करना वाकई में बहुत जिगर का काम रहता है, क्योंकि जितना स्टॉक नीचे जाएगा उम्मीद टूटती जाती है। सो ये आपके ऊपर है, आप कितना इसको झेल सकते हो। देन एस्ट्रल पॉली, सो दोस्तों एस्ट्रल पॉली भी सेम ही चीज़ है, बोनस के बाद लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, बिंदास मतलब मैं कह सकता हूँ आपको यहाँ पे होल्ड करना है। इनफैक्ट मैं इसके पहले भी एक वीडियो में बोल चुका हूँ, डिक्सन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा भरोसा आपका एस्ट्रल पॉली के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। अपने जो बिजनेस मॉडल है उसकी अगर हम लोग बात करें, एंड प्लस इसका परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजी अभी का है, बट ये तो स्टॉक हम लोगों को 2007 से देखने को मिल रहा है। सो लॉन्ग टर्म में तो ये तो कंपनी उससे भी बढ़िया है। सो इतना ही कहना चाहूँगा, ये देखिए बाजार में गिरावट होती रहती है, उसमें अगर आप लोगों का कंक्लूजन एक ही है कि बाजार में गिरावट हो गई तो यहाँ पे एग्जिट कर लो करके, तो फिर बाजार में कभी पैसा कमा ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये आपको भी सच पता है कि मार्केट में गिरावट ज़्यादा होती है एंड बड़े पैमाने के ऊपर होती है। सो होल्ड करना आपको आना चाहिए। 2020 इतना बड़ा एग्जाम्पल है हम लोगों के पास, 7,500 तक बाजार आया था, जो कि आज आप लोग देख सकते हैं 14,000-15,000 तक है। सो बाजार में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, जितना हो सके होल्ड करना आप लोगों को आना चाहिए। एंड बड़े इन्वेस्टर से सीखे दोस्तों, वो बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि वो मैदान छोड़ के नहीं जाते हैं, वही हम लोगों ने भी यहाँ पे करना है। अच्छे क्वालिटी के स्टॉक है ये दोनों के दोनों, होल्ड करके चलना। एस्ट्रल पॉली में तो 54% के डिलीवरीज भी देखने को मिल रही है। देन अगर मैं बात करूँ इन्फी बीम की, बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, सर इन्फी बीम में वापस बोनस से रिलेटेड यहाँ पे बात आ रही है, तो दोस्तों ऐसी वो न्यूज़ नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इन्फी बीम की मैं बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी इन्फॉर्मेशन में आना चाहूँगा, बोनस ऑलरेडी 18 मार्च को एक्सडेट यहाँ पे हो चुका है, शेयर का प्राइस ऑलरेडी हम लोग को आधा होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी की जो न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है वो अलॉटमेंट से रिलेटेड बात सामने आ रही है। सो अलॉटमेंट यहाँ पे हो चुका है, बाकी कुछ नहीं, जो बोनस से रिलेटेड बात थी वो ऑलरेडी कवर यहाँ पे हो चुकी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत ही ज़्यादा जो सवाल पूछे जा रहे हैं, सर अदानी ग्रुप, अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स अगर आप देखोगे लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, सिर्फ मार्च मंथ की अगर हम लोग बात करें 93% की तेज़ी देखने को मिल रही है। सो दोस्तों इससे रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका था कि अदानी एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे सारे शेयर्स मतलब इतना तेज़ी पकड़ लेंगे कभी कि मतलब उसकी कोई मतलब सीमा नहीं है, मतलब इतना ज़बरदस्त वो भाग जाएंगे। सो मैंने वो उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो, आपके सामने मैंने ओपन किया है, लगभग 1 महीने पहले बनाया था कि लॉटरी वाले शेयर है, चल गए तो किस्मत बदल जाएगी, मतलब प्योर मतलब तुक्का आप ऐसे भी बोल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है ये भी मैंने कहा था, क्योंकि अदानी ग्रुप के शेयर्स आपको पता है कर्जे से भरे रहते हैं, बट पॉलिटिकली सपोर्ट एंड ऑल दैट आपको पता है ये भी चीज़ कंसिडर होती है। सो इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, इस वीडियो को जरूर चेक करना, आपको ये वीडियो में सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। सो अदानी के शेयर में ऐसे ही मतलब उसकी वो खासियत है कि बिल्कुल शांत रहते हैं एंड देन वो ऐसा जंप दिखाते हैं मतलब कोई रोक नहीं पाएगा, सिर्फ मार्च मंथ में 93 मतलब 100% ही पकड़ लेना, मतलब मैक्सिमम शेयर ने डबल कर दिया है पैसा।
इसी के चलते ये अपडेट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें IRCTC में अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 4% के आसपास की गिरावट है। दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कोविड लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है, इसके चलते हम लोग कह सकते हैं रेलवेज के लिए नेगेटिव खबरें यहाँ पे रहेगी, क्योंकि एक्चुअली भीड़ हम लोग को रेलवेज में देखने को मिलती है। वापस जो रिकवरी की बात है वो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले सकती है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी लोगों को पता है, इनकी जो आमदनी है पैसेंजर की, अगर हम लोग बात करें 70% की गिरावट है। मतलब हम लोग कह सकते हैं इसी का अंदाज़ा कि पहले 100 ट्रेन चलती थी, अभी मात्र सिर्फ 30 ट्रेनें चलती है, 70 ट्रेनें नहीं चल रही, इसी के वजह से 70% का गैप हम लोग को देखने को मिल रहा है। IRCTC की मैं बात करूँ तो ये लॉस में निकालने वाला स्टॉक तो बिल्कुल भी नहीं है, जितना हो सके होल्ड करके चल सकते हो, डेफ्री स्टॉक है, बट लॉन्ग टर्म खेलना पड़ेगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका, सारे स्टॉक लॉन्ग टर्म ही खेलने पड़ते हैं, बट इसमें आप सभी लोगों को पता है कोविड का इंपैक्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा, जितना कोविड बढ़ते रहेगा उतना ही ट्रेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगते रहेंगे, एंड उसी के चलते IRCTC में भी जो होने वाली आमदनी है वो कम होती हुई देखने को मिलेगी। इसका अर्थ ये नहीं कि स्टॉक खराब हो गया, बर्बाद हो गया, वो ज़्यादा टाइम लेगा रिकवरी के लिए। जरूर IRCTC आपके पास रहेगा तो होल्ड करके चलना है। आज के दिन की बात करूँ 24 मार्च की, तो 23% की डिलीवरीज IRCTC में यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट स्टॉक जिससे रिलेटेड कल भी मैंने वीडियो बनाया था, एंड वो है RVNL का OFS। यस दोस्तों, RVNL के OFS आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, 27 रुपये का ये स्टॉक हम लोग को फिलहाल यहाँ पे ट्रेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 9.20% तक की गिरावट। एंड ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता था, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो इसकी शुरुआत यहाँ पे कैसी रही। एक ही बात कहना चाहूँगा, RVNL ये कोई ख़राब स्टॉक नहीं है, अगर आपके पास 27, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ 28, 29, इन द केस 30 में भी आपने खरीदा है, बिल्कुल भी लॉस में बेचना नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, ये मैं बार बार बोल चुका हूँ, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए, ये लॉन्ग टर्म में बोलता हूँ बट एक्चुअल में आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। देन टाटा पावर की बात करें तो 500 करोड़, यस दोस्तों 500 करोड़ टाटा पावर यहाँ पे फंड रेजिंग की यहाँ पे बात हो रही है, किसके थ्रू यहाँ पे होने वाले, हम लोग कह सकते हैं NCD वो यहाँ पे इशू करने वाले 500 करोड़ के, आज के दिन की न्यूज़ आप लोग खुद देख सकते हो। एंड मैं बात यहाँ पे कर रहा था टाटा पावर की, अगेन कहना चाहूँगा टाटा पावर ये सारी जो टाटा ग्रुप की कंपनी है उसमें लास्ट प्रेफरेंस आप चाहो तो टाटा पावर को यहाँ पे दे सकते हो, वरना बाकी टाटा ग्रुप के शेयर्स हम लोग को ज़बरदस्त नज़र यहाँ पे आते रहते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों IPO से रिलेटेड, तो एक बहुत ही शानदार IPO आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, मतलब जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 58 से 60% के आसपास था। अनुपम रसायन की अगर हम लोग बात करें, जो ओपन हुआ है वो लोअर देन इशू प्राइस यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है, बहुत टाइम के बाद हम लोग को कोई ऐसा IPO, ये बिल्कुल भी अगर आप लोगों ने जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था, मैं वापस कहना चाहूँगा दोस्तों आपकी स्टडी गलत नहीं है, 58% था ऑब्वियसली पहले की मैं बात कर रहा हूँ, देन उसके कितना परिणाम होता होगा वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना चाहिए था, बट स्टिल इतना मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इस कंपनी में आगे क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कंपनी के नंबर्स 400 मिलियन, 500, 529 मिलियन। ज़रूर आप चाहो तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड यहाँ पे कर सकते हो, अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों लॉन्ग टर्म सुनने के लिए बोलने के लिए अच्छा लगता है, और 3 से 4 दिन ये स्टॉक नीचे गिरता रहेगा आपका कॉन्फिडेंस ही टूट जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे उठाना पड़ेगा, जब IPO आता है उसका सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि हमारे पास कंपनी के बारे में जो पैरामीटर होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, उसी के पकड़ के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो पुराने पैरामीटर्स है, तो आप अगर यहाँ पे होल्ड करोगे तो शायद से आने वाले कुछ सालों में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं, आपके इशू प्राइस के ऊपर ये स्टॉक जाते हुए देखने को भी मिल सकता है। आई आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट थे फटाफट यहाँ पे मैंने कवर कर लिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।